सेम इन सब पे मैं कहानी लिख सकती हूँ, ये सब टिपिकल है, इतना ही स्टेप इसमें मुझे ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँ, मेरा क्वेश्चन बहुत फंसा हुआ है, dx अपॉन में sin क्यूब x इनटू sin x प्लस अल्फा, तो क्या करें, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मुझे ना x प्लस अल्फा दिख रहा है, तो चलो कुछ नहीं तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये होता है मतलब कुछ नहीं दिख रहा तो कुछ तो आता ही है तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या होगी आइडेंटिटी, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स कॉमन ले लेना, ये जबरदस्ती का स्टेप है एक्चुअली, मुझे दिख नहीं रहा इसमें से साइन कॉमन, लेकिन स्टिल मैंने साइन कॉमन ले लिया, क्या हो गया साइन फोर एक्स, ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा इन टू कॉट एक्स, ठीक जा रही हूँ, अब ये साइन फोर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक का सॉरी, ये हमारा क्या बचेगा अंदर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इनटू कोटेक्स, सिंपल, अब मुझे डिनोमिनेटर को एंगल को क्या लेना है टी, लेट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोटेक्स को क्या ले लेंगे टी, remember that alpha is treated as a constant, so इसका zero sine alpha as it is minus sine alpha cos square x, cot x का derivative होता है, ऊपर derivative available है, ये हो जाएगा minus one upon sine alpha dt upon में root t, root t का integration two root t, यानी कि two root cos alpha plus sine alpha cot x अपॉन में साइन अल्फा प्लस सी, ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर ये टिपिकल है, ये स्टेप कि मुझे जबरदस्ती ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन लेना है साइन, सिर्फ ये बात अगर आप सोच पाए तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वो पॉइंट आपको क्लिक करना चाहिए, अगर आपने एक बारी या दो बारी क्वेश्चन किया हुआ है तो आप इसे सोच पाओगे, अदरवाइज आप इसे नहीं सोच पाओगे।